हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस. आज हम जो है, नाउ वी आर इन अ स्टेट टू कंसिडर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द डायएटमिक लेटिस एज फॉलोस. जो डायएटमिक लेटिस होता है उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहला फैक्ट, यहाँ पर पांच फैक्ट्स दिया है, ठीक है. सबसे पहला फैक्ट है इफ, है यहाँ पर इट नहीं. इफ स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम, द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर मोनो एटमिक एंड डाई एटमिक लेटिसेस इज सेम एंड देयर एग्जिस्ट नो फॉरबिडन एनर्जी गैप. अगर स्मॉल m और कैपिटल m दोनों बराबर है, तब जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा मोनोएटमिक और डायएटमिक लेटिस का वो सेम होगा और फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी. यानी कि जब दोनों मासेस इक्वल होंगे तब हमें फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं मिलेगा और दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का रेंज वो सेम होगा. ओके, यहाँ पर अगर हम डायएटमिक में देखें, मासेस अलग होने की वजह से दो लाइन्स हमें मिलता है अलग अलग, एक ही लाइन हमें मिलेगा तब जब दोनों का मासेस इक्वल होगा. इन केस लाइट मास डिक्रीजेस द ऑप्टिकल ब्रांच शिफ्ट अपवर्ड्स एंड डिसअपीयर्स इफ एम टेंड्स टू जीरो वेयर इज अकूस्टिकल ब्रांच इज नॉट अफेक्टेड. अगर लाइट जो मास है, हमारे पास दो मासेस है ना, एक लाइट है दूसरा हैवी है, लाइट मास और हल्का हो, डिक्रीज हो, तब क्या होगा, ऑप्टिकल ब्रांच ऊपर की तरफ जाएगा एंड लाइट मास बिल्कुल अगर जीरो बन जाए तब ऑप्टिकल ब्रांच डिसअपीयर होगा, जबकि अकूस्टिकल ब्रांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा. दिस इज बिकॉज नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली कैपिटल एम, और इसका रीजन ये है कि हमारे पास सिर्फ कैपिटल एम ही बचेगा. हेंस वी रिटर्न टू मोनो एटमिक लेटिस विद लेटिस कॉन्स्टेंट ए. तो डायएटमिक लेटिस से हम मोनोएटमिक लेटिस की तरफ पहुंचेंगे जिसका लेटिस कांस्टेंट ए होगा. ये जो पॉइंट है वो है हमारा अंडर रूट ऑफ 2 बीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल एम. अब हम कंसिडर करेंगे कि स्मॉल एम इतना छोटा है कि वो जीरो को टेंट कर रहा है, तो एम जो है वो जीरो को टेंट कर रहा है, इन्फिनिटी को नहीं, यहाँ पर गलत लिखा है, ठीक है. तो अंडर रूट ऑफ 2 बीटा डिवाइडेड बाय जीरो आएगा. एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो जो है वो इन्फिनिटी होता है. तो ये जो हमारा नीचे फ्रीक्वेंसी है ना, ऑप्टिकल ब्रांच का ट्रह का फ्रीक्वेंसी, वो इन्फिनिटी पर चला जाएगा. तो ये कर्व जो है बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएगा, वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया है. तो बचेगा हमें ये अकूस्टिकल ब्रांच जो कि मोनोएटमिक लेटिस के ब्रांच से सेम है. फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है इफ हेवियर मास कैपिटल एम इंक्रीजेस द अकूस्टिकल ब्रांच शिफ्ट डाउनवर्ड्स एंड ऑप्टिकल ब्रांच टेंड्स टू फ्लैटन. अगर हमारा जो हैवी वाला मास है वो इंक्रीज हो, वो और हैवी बन जाए, ठीक है, तब क्या होगा, जो अकूस्टिकल ब्रांच है वो नीचे की तरफ चला जाएगा और ऑप्टिकल ब्रांच जो है, ऑप्टिकल ब्रांच वो बिल्कुल फ्लैट बन जाएगा. एंड इन केस एम टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड अगर हमारा कैपिटल मास जो है वो इतना ज्यादा हो जाए, वो इन्फिनिटी हो जाए, तब जो अकूस्टिकल ब्रांच है वो डिसअपीयर हो जाएगा और ऑप्टिकल ब्रांच जो है वो फ्लैट हो जाएगा. कि किस वे में, इन सच अ वे दैट ऑल के वैल्यूज हैव सेम फ्रीक्वेंसीज, जितने भी के वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी सारों का सेम होगा, इस वे में वो जो है फ्लैट होगी. सबसे पहले यहाँ पर 2 बीटा डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी आएगा क्योंकि हमारा कैपिटल एम इन्फिनिटी है. एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जो है वो जीरो होता है, यानी कि जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, जो हमारा ग्राफ है वो के पर आ जाएगा क्योंकि के पर जीरो है ना, ओरिजिन पर आ जाएगा, जीरो वैल्यू होगा उसकी फ्रीक्वेंसी का. तो हमारा जो अकूस्टिकल ब्रांच है उसका कोई मैक्सिमम होगा ही नहीं, वो बिल्कुल के एक्सिस बन जाएगा. और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जो है वो जीरो होगा, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, इसको किसी के साथ भी डिवाइड कर दो जीरो आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर ये मैक्सिमम जो है वो एक्स एक्सिस पर आ जाएगा, जीरो पर आ जाएगा, जीरो यहाँ पर है ना, और ये जो है वो फ्लैट बन जाएगा ऊपर वाला कर्व. ये फ्लैट क्यों बनेगा,
यहाँ पर ये जो पोर्शन है वो जीरो बन गया ना, तो टू बीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल m ही बच गया, तो जो मैक्सिमम है वो मिनिमम पर आ जाएगा, हमें मिलेगा स्ट्रेट लाइन, इसलिए बन गया है फ्लैट। इसको मैं कॉपी पर भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी ताकि आसानी से समझ में आए। ये है हमारा ओरिजिन और ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा k है और वाई एक्सिस के अलोंग हमारा ओमेगा है। अब अगर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये जो ग्राफ है कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा और यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होता है अंडर रूट ऑफ 2 बीटा 1 अपॉन स्मॉल m प्लस 1 अपॉन कैपिटल m। फिर उसके बाद जो हमारा ऑप्टिकल ब्रांच है उसमें एक मिनिमम वैल्यू भी आता है जो कि बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 2 बीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल m। ये वाला टॉपिक हमने पहले किया था, तो पहले अगर आप देखोगे पहले वाले वीडियोस को तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो मैक्सिमम है वो कहाँ पर मिलता है हमें, अकूस्टिकल ब्रांच की बात कर रही हूँ, वो जो है पाई अपॉन 2a और नेगेटिव ऑफ पाई अपॉन 2a पर मिलता है एक्स एक्सिस के। और यहाँ पर ये जो मिनिमम है वो नेगेटिव ऑफ पाई अपॉन 2a पर मिलेगा और मैक्सिमम जो है वो कहाँ पर होगा, जीरो पर होगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ हमें मिलता था पहले अगर आपको याद हो तो। अब अभी क्या होगा, ये कैपिटल m बहुत बड़ा हो गया है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो अंडर रूट ऑफ 2 बीटा डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जो है वो जीरो के बराबर होगा। ये जो टर्म है वो जीरो के बराबर होगा, यानी कि ये जो पहाड़ है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा क्योंकि इसका कोई मैक्सिमम है ही नहीं। तो अकूस्टिकल ब्रांच जो है वो हमें जीरो पर मिलेगा वाई एक्सिस के, यानी कि के एक्सिस पर। ये जो पीक है वो नहीं रहेगा क्योंकि वैल्यू जो है मैक्सिमम का वो भी जीरो हो गया है। तो यहाँ पर इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, जिसको हम के एक्सिस भी कह सकते हैं, हमारा होगा अकूस्टिकल ब्रांच। फिर उसके बाद यहाँ पर मिनिमम का मतलब है अंडर रूट ऑफ 2 बीटा डिवाइडेड बाय m, और ये जो टर्म है 1 अपॉन कैपिटल m वो जीरो बन जाएगा क्योंकि कैपिटल m इन्फिनिटी है, ठीक है। तो मैक्सिमम भी हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 बीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल m, यानी कि कोई मैक्सिमम वैल्यू रहेगा ही नहीं, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2 बीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल m पर, ओके। और मिनिमम हमें यहाँ पर मिलता था। तो ये है हमारा ऑप्टिकल ब्रांच। तो ऐसा होता है जब कैपिटल मास जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करती है, ऐसा ग्राफ हमें मिलता है। और इनके बीच में जो गेप होता है उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे फॉरबिडन एनर्जी गेप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉरबिडन गेप। और ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 2 बीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल m, ठीक है। तो सारे के वैल्यू उसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा। फिजिकली इसका मतलब है कि हर एटम जिसका मास स्मॉल m है वो ऑसिलेट करता है इंडिपेंडेंटली अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, जो कि बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 2 बीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल m के। आइंस्टाइन ने इस मॉडल का यूज किया डेवलपमेंट करने के लिए उसका थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स को। और ये भी हमें नोट करना है कि जो टू अलाउड बैंड्स है फ्रीक्वेंसी का, वो सिंगल फ्रीक्वेंसी में कंप्रेस हो जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी में अंडर रूट ऑफ 2 बीटा डिवाइडेड बाय m में, जो कि एक आइसोलेटेड एटम का होता है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन का जब हम एनर्जी लेवल्स पढ़ते हैं ना सॉलिड में, उस केस में भी होता है जब एटम्स जो है वो बाउंड होता है सॉलिड में, तब हमें बैंड्स मिलता है एनर्जी का। और जब एटम फ्री हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, तब हमें एनर्जी लेवल्स मिलता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी मिलता है सॉलिड्स के इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल में, ऐसा होता है। फिर लिखा है वी ऑब्जर्व दैट देयर आर टू अलाउड फ्रीक्वेंसी बैंड्स इन केस ऑफ डायएटमिक लैटिस, दैट इज देयर आर टू एटम्स पर प्रिमिटिव सेल। डायएटमिक लैटिस में, जिसमें एक प्रिमिटिव सेल में दो एटम्स होता है, हमें दो अलाउड फ्रीक्वेंसी बैंड्स मिलता है। तो अगर n एटम्स होंगे प्रिमिटिव सेल में तो हमें मिलेगा n अलाउड फ्रीक्वेंसी बैंड्स, ये हमें ऑब्जर्व करके पता चला, ठीक है। यहाँ पर हमारे फ्रीक्वेंसी के दो बैंड्स है, बीच में एक फॉरबिडन वाला बैंड भी है, ठीक है। दो एटम्स है तो दो हमें फ्रीक्वेंसी के बैंड्स मिलते हैं, दो ग्राफ्स हमें मिलते हैं, दो मैक्सिमम और मिनिमम मिलते हैं। उसी तरीके से n एटम्स होंगे तो n अलाउड फ्रीक्वेंसी बैंड्स हमें मिलेगा। जो ब्रिलियन जोन का एच है, विच इज प्लस माइनस पाई अपॉन 2a, ओनली वन ऑफ द सब लैटिस इज वाइब्रेटिंग, सिर्फ एक ही सब लैटिस जो है वो वाइब्रेट हो रहा होगा ऑप्टिकल ब्रांच के केस में, जो लाइट
लाइट एटम है और अकूस्टिकल ब्रांच के केस में जो हैवी एटम है। ये जो अकूस्टिकल ब्रांच है उसका अगर हम पाई अपॉन ए पर वैल्यू देखेंगे तो एक मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलता है जो कि अंडर रूट ऑफ 2 बीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल एम है, सॉरी कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम पर ही डिपेंड हो रहा है। और उसी तरीके से यहाँ पर जो मिनिमम है पाई अपॉन 2a पर वो जो है सिर्फ स्मॉल एम पर ही डिपेंड होगा, जबकि अगर हम इन वैल्यूज को देखेंगे तो इसमें कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, जीरो पे जो वैल्यूज है। तो एजेस पर जो है सिर्फ एक ही एटम जो है वाइब्रेट होगी वो हमें पता लगता है उसके वैल्यूज से, क्योंकि उसके फॉर्मूले में सिर्फ एक ही एम है। और दोनों ब्रांचेस जो है वो स्टैंडिंग वेव्स को रिप्रेजेंट करता है और इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो होगा पाई अपॉन 2। और जब पाई अपॉन 2a से वैल्यू डिक्रीज होता जाता है k का, तब दोनों जो सब लेटिसेस है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर एक का ट्रह है तो दूसरे का क्रेस्ट आ रहा है और एक का क्रेस्ट है तो दूसरे का ट्रह आ रहा है इन दोनों ब्रांचेस का, तो ये एक स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है और इनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो पाई अपॉन 2 ही होगा। और जब हम अंदर की तरफ जाएंगे जीरो की तरफ, तब उस कर्व में हमें जो है स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों का वैल्यूज मिलेगा, यानी कि दोनों वाइब्रेट होगी। और यही था आज का हमारा टॉपिक।